ये वाले ही चार हैं और हमें इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं कि इन चार अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, जिसमें भी कितने अंक होंगे, चार अंक होंगे। तो हमारे पास संख्या बनाने के लिए चार स्थान होंगे, ठीक है, और हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हम क्या करेंगे कि इनमें से सबसे बड़ा अंक लेंगे जो कि हमारे पास है 9, उसे हम रखेंगे पहले स्थान पर। फिर 9 से जो छोटा अंक है, यहाँ अंक है 7, फिर हम रखेंगे 7, फिर 7 से छोटा अंक 3, फिर 3 से छोटा अंक 2। तो इस प्रकार इन चार अंकों के द्वारा चार अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9, 7, 3, 2। अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो हम पढ़ते वक्त यही करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो ये संख्या हो जाएगी 9,732। इसी प्रकार अगर हमें सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना है, वो भी कितने अंकों की होगी, चार की, तो हम इन अंकों में से सबसे छोटा अंक लेंगे। सबसे छोटा अंक है 2, फिर उससे बड़ा अंक लेंगे हम 3, फिर उससे बड़ा अंक लेंगे हम 7, फिर उससे बड़ा अंक लेंगे हम 9। तो इस प्रकार ये सबसे छोटी संख्या होगी जो इन अंकों के द्वारा बनी है। इसका मान है 2,379। अब एक बार हम दोबारा से इतनी बात को समझ लेते हैं कि आपके पास ये चार अंक दिए गए हैं, आपको अगर इनसे सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़े अंक से शुरुआत करेंगे, फिर उससे छोटा 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 अंक लिखते जाएंगे। अगर इनसे ही आपको सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना है तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे, क्योंकि संख्या ही छोटी बनानी है, फिर हम इससे बड़े 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 अंक रखते जाएंगे। अब हम संख्याओं में आरोही क्रम और अवरोही क्रम को पढ़ेंगे। आरोही क्रम को आपने पहले भी पढ़ा है, इसका अर्थ ये होता है कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी हम सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे, फिर हम उससे बड़ी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या लिखते जाएंगे। आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ता क्रम। अब आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे एक शब्द आपने हिंदी में पढ़ा है पर्वतारोही, ठीक है, पर्वतारोही जब आप पढ़ते हैं तब इसके अंत में भी आरोही शब्द जैसी ध्वनि आती है। तो जो पर्वतारोही होता है वो पहाड़ से नीचे से शुरुआत करके लगातार ऊपर 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 बढ़ता जाता है, तो वैसे ही आपको छोटी संख्या से शुरुआत करनी है और बड़ी से बड़ी संख्या आगे लिखते जाएंगे, तो इसे हम पर्वतारोही शब्द की तरह याद रख सकते हैं। अवरोही क्रम इसका ठीक विपरीत होता है, यह संख्याओं का घटता हुआ क्रम होता है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। एक एक उदाहरण लेकर दोनों को समझते हैं। जैसे आपको कह दें कि ये कुछ 3-4 संख्याएं हैं, इनको आपको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। पर्वतारोही से याद रख सकते हैं, वो ऊंचा से ऊंचा यानी अधिक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर जाता रहता है, तो हम उससे बड़ी संख्या लिखेंगे। अब देखो हमें इन संख्याओं को पढ़ना आता है, यहाँ हमें ये जानते हैं कि जो 3 अंकों की संख्याएं होती है वो 4 अंकों से छोटी होती है, क्योंकि वो सैकड़े तक चलती है और 4 अंकों वाली संख्याएँ हजार तक चलती हैं, ठीक है। जैसे ये संख्या देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हमें पता है जो सैकड़ा वाला मान है वो छोटा होता है, क्योंकि वो 100, 200, 300, 400, 500, 600 यहाँ तक होती हैं। ये संख्या 739, ये संख्या 941। अब 739 और 941 में से बड़ा है, बड़ा कौन सा है 941 और छोटा कौन सा है 739। अब हमें आरोही क्रम लिखना है तो 739 पहले आएगा, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है, फिर आएगा 941। अब देखो कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
यहाँ हजार पर क्या लिखा है, एक लिखा है, यानी जो हजार की जगह स्थानीय मान आपने पढ़ा होगा, हजार की जगह यहाँ लिखा है एक और यहाँ हजार की जगह लिखा है दो। हमें पता है कि दोनों संख्याएं हजार तक चलती है और एक होता है वो छोटा होता है इससे दो से, तो हमें बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद संख्या आ जाएगी 1239 और इसके बाद संख्या आ जाएगी 2432। आई बात समझ में? आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, छोटी संख्या से शुरुआत करके बड़ी संख्या की तरफ चलेंगे। आपको देखना होता है कि जैसे ये संख्याएं हैं इकाई ढाई सैकड़ा और इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़े की के स्थान पर क्या है सात है यहाँ, और यहाँ सैकड़े के स्थान पर क्या है नौ है, तो सात छोटा होता है अतः यह संख्या छोटी होगी। इसी प्रकार अवरोही क्रम है, जैसे आ जाए 36 94 1028 1040 294 3456, तो ये मान लो कुछ संख्याएं हैं, इनको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम होगा बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ घटता हुआ क्रम। अब यहाँ हम ये कार्य करेंगे कि हमें पता है कि अगर हम इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार की तरफ चलेंगे तो जो संख्याएं बड़ी होगी वो हज़ार वाली बड़ी होंगी, उसके बाद सैकड़े वाली बड़ी होती हैं, फिर ढाई वाली। तो यहाँ आपको हज़ार वाली संख्याएं देखनी है, ये एक चार अंक की हज़ार वाली संख्या है, ये एक है, यह है 3456, यह है 1040। यहाँ हज़ार के स्थान पर तीन है, यहाँ हज़ार के स्थान पर एक है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी ये 3456। ये कार्य आप केवल उन्हीं संख्याओं के लिए करेंगे जिनमें अंकों का मान बराबर हो, ठीक है, ये सैकड़े तक है, ठीक हज़ार तक है, ये कहाँ तक है हज़ार तक है, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, ये भी हज़ार तक है, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार। तब हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि हज़ार वाले स्थान पर कौन सा अंक बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी है तो सबसे पहले आएगा 3456, फिर आ जाएगा 1040, हज़ार के बाद उससे छोटा मान है सैकड़ा। अब सैकड़े में आपके पास दो संख्याएं, एक तो 128 और एक 294 है, यहाँ सैकड़े के स्थान पर दो है, यहाँ एक है, तो ये संख्या बड़ी होगी ये संख्या छोटी होगी, तो इसका मान होगा 294, फिर इसके बाद आ जाएगा 128। अब हम चलते हैं ढाई पर, ये इकाई ढाई 94 और ये 36, यहाँ आपको सीधा सा पता है कि 94 बड़ा होता है और 36 छोटा होता है। इस प्रकार हमने आरोही क्रम सीखा और अवरोही क्रम सीखा। अब साथ में आप इसका गृह कार्य भी लिख लेंगे। तो देखो गृह कार्य में पहला सवाल ये है कि अंक 3, 9, 5 व 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, दूसरा सवाल ये है कि अंक 9, 4, 2, 7 व 8 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तीसरा सवाल ये है कि आपको संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। संख्याएं हैं 524, 1020, 728 और 22। चौथा सवाल ये है संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। संख्याएं हैं 7422, 9233, 7422, 9233, 841, 318, 929,
701।